नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार लम्हों का इंतजार समाप्त होने वाला है। 8 तारीख को सामने आने वाली रिलीज बिग पिक्चर का फर्स्ट क्लास ट्रेलर अब से हम कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने रखने जा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें, 1000 से ज्यादा प्रत्याशी, 3 चरणों में चुनाव, 2 महत्वपूर्ण रीजन और 20 जिले। आखिरकार तमाम जनता जनार्दन ने किसके सर पर जीत का सहरा बिछाया और किसका बंटा धार कर दिया है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले की बिग पिक्चर हम आपके सामने आपसे कुछ ही पलों में रखने जा रहे हैं कि आखिरकार 10 साल बाद होने वाले इस विधानसभा चुनाव में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसके आधार पर 87 लाख से ज्यादा की मतदाता यानी जो जनता है वो अपने अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। बंपर मतदान देखा, जमकर मतदान देखा, पहला चरण देखा, दूसरा चरण देखा और तीसरा चरण रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया। इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर की सियासत भी घूमती हुई नजर आई। बहुत कुछ खास है नॉनस्टॉप मेगा कवरेज में। एग्जिट पोल 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा आगाज कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू प्रोविंस में क्या कुछ खास रहा पूरी डिटेल विनोद कुमार हमारे साथ देंगे और कश्मीर रीजन में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सांसें थमी हुई हैं, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, आखिरकार क्या कारण है, तमाम डिटेल हमारे साथ हमारे सहयोगी इश्फाक साझा करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे इस मेगा एग्जिट पोल में क्या कुछ खास होने वाला है। कुछ बेहद खास ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं, बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने के दौराहे पर आ पहुंची 90 विधानसभा सीटों में एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। अब आपके सामने आंकड़े होंगे सेंट्रल कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक, साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, नॉर्थ कश्मीर से लेकर पीर पंचाल तक, चिनाब दरिया से लेकर सेंट्रल जम्मू तक, तमाम सियासी आंकड़े क्या कुछ कह रही हैं, किसका पलड़ा भारी हो रहा है और कौन कमजोर नजर आ रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ कमाल करता हुआ नजर आएगा, इंडिया अलायंस के लिए संजीवनी देगा या भारतीय जनता पार्टी 370-35 से जैसी बेड़ियों को तोड़ने के बाद जो डोगरा सीएम की बात कहती नजर है उसके आधार पर जमकर वोट पड़ते हुए नजर आ रही है। अवामी इत्यादि पार्टी से लेकर जम्मू कश्मीर अपने आप अपनी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ खास होंगे, क्या उनके लिए खास निकल कर आने वाला है, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और इससे पहले कि हम पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने दोनों सहयोगियों से लें, समझने का प्रयास करें किस तरह का वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया, वो भी हम आपको सामने बताने जा रहे हैं कि आखिरकार पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण यानी कुल मिलाकर एवरेज वोटिंग परसेंटेज भी क्या कुछ निकलकर सामने आई है। लेकिन पहले एक छोटा छोटा हम कमेंट ले लें, उससे पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर में कब कितना मतदान हुआ, आंकड़े आपके सामने। पहला चरण बेहद खास रहा, 24 सीटों पर मतदान हुआ, 16 कश्मीर की थी, 24 अगर हम बात करें बाकी अन्य तो वो जम्मू रीजन की, 61.13% मतदान रहा। दूसरा चरण अपने आप में बेहद खास रहा, सेंट्रल प्रोविंस का जो सेंट्रल कश्मीर है उसका सबसे ज्यादा दबदबा यहां पर नजर आया, 57.07% यहां पर मतदान रहा। तीसरा चरण सबको पछाड़ते हुए 67% से ज्यादा का वोटिंग परसेंटेज ले गया, सबसे ज्यादा सीटें इसी फेज में हुई थी, 40 सीटों पर मतदान हुआ था और कुल मतदान आप देखिए 61.70 नजर आया ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज। लोकसभा चुनाव भी अपने आप भी बेहद खास रहा, तो आपने देखिए किस तरह से जो तमाम चीजें हैं वो निकल कर सामने आई। और अब हम इससे पहले कि एक एक करके जो हम को कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहे हैं, हम जम्मू प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, तमाम इलाकों को हमने बांटा है, बात साउथ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर की, साथ ही साथ बात होगी सेंट्रल कश्मीर की, बात होगी पीर पंचाल की, बात होगी हम चिनाब दरिया की और बात ही होगी सेंट्रल जम्मू की भी। लेकिन सबसे पहले इश्फाक जी, तमाम दर्शक जो हजारों की तादाद में इस वक्त हमको सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन स्क्रीन पर नजर गड़ाकर बैठे हैं, अगला बेहद खास जो पल है कितना बेहद खास इंटरेस्टिंग हो रहा नजर आ रहा है। और जब पूरा एग्जिट पोल हमने किया 90 विधानसभा सीटों पर, ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम साइलेंट वोटर्स के भी मन को टटोलने का प्रयास किया, क्या कुछ आउटकम निकलकर सामने आया? देखिए बिल्कुल, ये जो आज एग्जिट पोल है, मुझे पूरी उम्मीद है जिन लाखों लोगों ने हमारे साथ बात की, हम पर भरोसा किया और दर्जनों सवालों के जवाब दिए बैठकर, ये दो तरह का है, एक प्री पोल होता है जब आप
चुनाव पर जाने से पहले कुछ चीजें करते हैं और बाद में जब चुनाव खत्म होता है लोग वोट डालकर आते हैं, उसके बाद ही हमें एक ब्रीदर पीरियड मिला, उसमें हमने मजीद बात की तो उसमें खुलकर कुछ चीजें सामने आई और जिस तरीके का भरोसा लाखों लोगों ने जो भरोसा एंटायर जम्मू कश्मीर की 90 की 90 असेंबली सेगमेंट में लोगों ने हमें दिया है उसका यह नतीजा होगा जो हम थोड़ी देर में सामने रखेंगे। अगरचे ये ऑफिशियल नतीजा नहीं है, ये भी हम अपने व्यूअर्स को बताते चले, ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक रुझान होता है, आपकी एक आरा होती है, आपकी एक बात होती है जिसको हम समेटने की कोशिश करते हैं और स्ट्रीमलाइन करके अपने व्यूअर्स तक रखते हैं। लेकिन कश्मीर प्रोविंस को जब आप खंगालते हैं, एंटायर साउथ से नॉर्थ तक चले जाते हैं और सेंट्रल कश्मीर को देखते हैं तो अलग अलग तीन हिस्सों में आपको ओपिनियन नजर आएगा। कहीं पर जो बातें हो रही थी कि एक्सट्रीमली एक वेव होगा, वो वेव नजर नहीं आई। एक्सट्रीमली एक पार्टी जो तकरीबन 30 सालों के बनवास के बाद दोबारा मैदान में आई जमात, उसका इफेक्ट कुछ इलाकों में दिखा, लेकिन कहा गया कि ये जी एक टेस्ट मैच था, आगे वनडे खेलने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ये भी एक फैक्टर सामने आया। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू के मुकाबले में जब आप कंपैरिजन कश्मीर को करेंगे तो एंटायरली सोच डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, मामला डिफरेंट है, मसाइल डिफरेंट है। अगरचे रोजगार, बिजली, पानी, सड़क एक मुद्दा ऐसा है जो आपको अक्रॉस द स्टेट दिखेगा, लेकिन जब आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो एंटायरली कुछ चीजें आपको डिफरेंट नजर आएंगी जो आज इस पोल के जरिए से भी सामने आएंगी। क्योंकि जो दो दर्जन के करीब 24 क्वेश्चंस कंपाइल किए गए थे, जब वो हमने सामने रखे तो वो क्वेश्चन सिर्फ पोल रिलेटेड नहीं था, वो एक सोच को टटोलने की भी कोशिश थी कि ये जो वोटर है, ये जो आम नागरिक है, जब ये घर में था इसकी सोच क्या थी, जब ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा इसकी सोच क्या है, और जब इसने वोट कास्ट किया क्या ये इन दोनों चीजों पर रहा या अंदर आते हैं थर्ड वेव इसको आई और बाहर आते हुए जब उसने हमारे साथ बात की तो एंटायरली चेंज हुई। इसलिए मैंने कहा कि ये सॉलिड कंप्रेहेंसिव, और मैं ये वसूख के साथ कहूं कि एंटायर टेलीविजन इंडस्ट्री में गुलिस्तान न्यूज को ये एजाज होगा कि करना, केरन, टीटवाल जैसे इलाकों के अंदर हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम गई जिन्होंने वन ऑन वन लोगों से बात की और उनसे तकरीबन 5-6 दिन रुके वहां पर, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो इस सिस्टम को देख रहे हैं। और जो सैंपल साइज है, अगर आप इसको खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये छोटा सैंपल साइज नहीं है, लाखों में लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और उस भरोसे को परत दर परत उन सवालों को हम खोलेंगे, अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि जो हम आज एग्जिट पोल करने जा रहे हैं 8 तारीख को 10 बजे से जब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे रुझान के बाद, तो वो हमारा एग्जिट पोल साबित होगा, मुझे इतना पूरा भरोसा है। ठीक है विनोद जी, अगर हम जम्मू प्रोविंस की हम बात करें तो 2014 में लास्ट टाइम चुनाव हुआ था, 37 सीटें थी, 2024 में चुनाव हो रहा है परिसीमन के बाद, 43 सीटों की संख्या होती नजर आई है। हमने परिसीमन के साथ कई सीटों के सियासी समीकरणों को बदलते हुए देखा, तमाम प्रत्याशियों को हमने बड़ी मेहनत करते हुए देखा, आपने भी ग्राउंड जीरो पर खूब चुनावी अखाड़ा लगाया, नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं? सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जनता को चौंकाने वाले आंकड़े नजर आएंगे क्योंकि कई फंस गई है बुरी तरह। बिल्कुल आपने ठीक कहा कुणाल, सच्चाई यह है कि यह चुनाव वाकई में ऐतिहासिक है। हम बहुत लंबे समय से इनको कवर करते आ रहे चुनावों को, लेकिन 2014 के चुनाव में खुद मुख्तियारी, यानी आप ऑटोनॉमी की बात करते थे, आप सेल्फ रूल की बात करते थे, और जम्मू के नेता ये कहते थे कि जम्मू खित्ते के साथ हमेशा ही पक्षपात हुआ है, वो जो पक्षपात हुआ है उस पक्षपात को दूर करने के लिए चुनाव हुआ है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में जो संवैधानिक चेंजेस आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव में भी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि अब की बार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किस तरीके से 370 हमारी जो अलग पहचान थी स्टेट की, ये टनल के उस पार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उस पहचान को वापस लाया जाएगा, और इस बार ये सेट किया जा रहा है नैरेटिव, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नैरेटिव सेट करेंगे इसकी बार, अब की बार जम्मू क्यों ना बनाए सरकार, यानी जम्मू का मुख्यमंत्री क्यों ना, इस तरह के नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो पहले इससे नहीं होते थे। पहले इससे यही रहता था कि मैं हम आपको खुद मुख्तियारी देंगे, खुद मुख्तियारी के साथ साथ टनल के इस पार ये रहता था कि हम कहीं ना कहीं